आदमी को वो आदमी एम एस सी के पास रहेगा, मतलब किस आदमी किस रूम में जाएगा और यहाँ पे अपनी कंप्लेंट देगा, ठीक है, कि क्या कोई समस्या है किसी की। जैसे मेरे को ये देखिए, आप लोग ये कैरेक्टर रिपोर्ट है प्रधान से लेके आते हैं कि जी हमारी कैरेक्टर रिपोर्ट पुलिस थाने से दीजिए, तो इसके बाद भी हम इसको रिपोर्टिंग करते हैं, ये रिपोर्टिंग हम अपने रिकॉर्ड को देखने के बाद करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे आप आए कि जी मुझे अपना ये बनाना है, क्या बोलते हैं, मैं भर्ती के लिए जाना है या फिर मेरे को स्कूल में एडमिशन के लिए भी, अब ये चलता है स्कूल में एडमिशन के लिए भी आपको चाहिए, सिंपल सा मैं आपके लिए ले रहा हूँ कैरेक्टर। जैसे आप थाने में आते हैं, आप बोलते हैं कि जी मुझे कैरेक्टर चाहिए, तो आप इस रूम में आएंगे और यहाँ बोलेंगे मुझे कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रजिस्टर होता है हमारा, ये है क्राइम रजिस्टर, ठीक है। इस रजिस्टर को इसमें सबके सबके जो जिस जिस आदमी ने ऑफेंस किया, देखिए जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब का एक चला हुआ है, ये सन 1900 जो ये जो ये रजिस्टर है, कुछ रजिस्टर ऐसे हैं जो कि 1950 की भी हमारे पास, ठीक है। जैसे ये रजिस्टर है, ये चला हुआ है 1966 का, ठीक है। तो मतलब ये जिस रजिस्टर में देखेंगे जिसका नाम इसमें होगा, समझ गए आप, मैंने आपसे बोली थी बात कि जो हमारा रिश्तेदार होगा उसको कैरेक्टर नहीं बनेगा, जो इसमें जिसका रिकॉर्ड होगा उसकी रिपोर्ट में यहाँ पे वो रिकॉर्ड लिखते जाएगा कि हाँ इस आदमी का ये रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड को जाने के बाद आगे उसको जो है कोई भी रिपोर्ट नहीं देगा, एसटीएम या जिला के पास जाएंगे, अब तो लोग मित्र केंद्र में जाते हैं वहाँ पे कैरेक्टर बन जाता है, तो वहाँ पे वो आ जाएगा साथ में कि इस आदमी के खिलाफ ये मुकदमा थाना जिले में रजिस्टर्ड है, तो उसके बाद जो है वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, इवन लाइसेंस तक नहीं बना पाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, आप लोग ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के लिए भी एक लाइसेंस चाहिए होता है, तो लाइसेंस के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास जो है पुलिस रिपोर्ट ना होगी, ठीक है। तो ये मैंने कोई भी किसी भी तरह की रिपोर्ट है, किसी भी तरह की, ठीक है, कोई भी चाहे इसको मारपीट हुई है, चाहे किसी को किसी ने इनके कोई भी किसी तरह से तंग किया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले वो यहाँ आएंगे, अगर जो मेरे करने लायक काम होगा वो मैं करूँगा, अगर मुझे लगता है कि ये काम भी डिस्कस करने वाले का है तो मैं उस काम को एच ओ से डिस्कस करूँगा, एच ओ स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, वो थाने के इंचार्ज होते हैं, तो उस थाने के इंचार्ज से मैं अपना काम यहाँ आके डिस्कस करता हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और हमारी एक कार्यप्रणाली होती है कि उस पर हमने क्या किया था, आदमी डिपेंड किए होते हैं, डे आदमी डे के लिए अलग से आइए होगा, नाइट के लिए अलग से काम करने वाला होगा, ठीक है, इस तरह से काम करते हैं, जो भी होगा अगर मैं नहीं कर पाऊँ।